लोकसभा चुनाव को लेकर तूफानी दौरे के बीच बिहार के नवादा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया भरोसा, कहा बिहार में फिर एक बार बीजेपी एनडीए की लहर। नवादा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा की कही बात, बोले गरीब का बेटा मोदी गरीबों का है सेवक। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए केंद्र की चलाई गई योजनाओं का जिक्र किया, कहा 8 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोगों को मिला मुफ्त राशन। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा, कहा खड़गे की बात सुनकर शर्माई, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मन से इशारों में की अपील, कहा रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार ने मंच साझा किया, रैली को संबोधित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू और राबड़ी के शासनकाल का दिया हवाला, कहा 15 साल तक कोई काम नहीं हुआ, हमारी सरकार में लोगों को सुरक्षा मिली। खुद बोलों को मिला था 15 साल, अब क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। दक्षिण के दौरे पर तमिलनाडु के अरियालूर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की चुनावी रैली, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जयपुर की चुनावी रैली में खड़गे के कश्मीर पर बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने सीरियल अटैक किया। खड़गे ने अपने बयान में अनुच्छेद 370 के बदले कहा 371, साथ ही कहा कि राजस्थान के लोगों को कश्मीर से क्या वास्ता। खड़गे के खिलाफ अमित शाह ने किया ट्वीट, खड़गे पर बरसे शाह, कहा यह अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि 370 है, ऐसी भयानक गलती कांग्रेस ही कर सकती है। खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा ने भी जमकर वार किया, नड्डा ने कहा ऐसा बयान खड़गे और कांग्रेस की मानसिकता का परिचय। खड़गे को लेकर बीजेपी के वार पर जयराम रमेश ने पलटवार किया, कहा खड़गे जी ने अनजाने में कहा था 371। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास, पार्टी के मंत्री विधायक सांसद और नेता का जंतर मंतर पर सत्याग्रह। सत्याग्रह के दौरान केजरीवाल को आशीर्वाद सामूहिक उपवास का लगाया गया पोस्टर, अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे की तस्वीर भी प्रिंट करवाई गई। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, कहा ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हथियार बनकर रह गई है। आम आदमी पार्टी ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही राजनीतिक हथियार बनकर रह गया। आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास के दौरान भजन का आयोजन हुआ, बजाई गई रामधुन। बीजेपी ने खोला आपके खिलाफ मोर्चा, ऑपरेशन शीश महल चलाया, दिल्ली सरकार के कथित घोटालों को रखेंगी जनता के सामने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा यह शराब से शीश महल की कहानी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली रैली, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के उपवास को लेकर कटाक्ष किया, कहा एक दिन के उपवास से उनके पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। एक दिन के उपवास से उनका पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। देखिए एक दिन के उपवास से उनका पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क में जुटे सीएम धामी, खटीमा में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट मांगे। स्वर्गीय हिमवती नंदन बहुगुड़ा के पैतृक गांव बुगाड़ी पहुंचे, गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी श्रीकोट में रोड शो किया। टेहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने मसूरी में जनसभा की भरा जीत का दम। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज, मेघालय के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और भाई के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। हमीरपुर में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर चुटकी ली, कहा 55 साल तक देश पर शासन किया, किस न्याय की कांग्रेस कर रही है बात। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी अनोखे तरीके से प्रचार में जुटे, दरभंगा के एक युवक ने पीएम मोदी के नाम से खोली चाय की दुकान। लोकसभा चुनाव को लेकर अभिनेता आशुतोष राणा ने लोगों से की दमदार अपील, कविता में लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया।
ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोक तंत्र का, ये देश हित का सूत्र है। तू देश हित में वोट कर, तू वोट कर। पोरबंदर में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मांडविया का अलग अंदाज नजर आया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गरबा किया। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव में एआई से होने वाले अपराध को रोकने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन, पुलिस को दिए गए डीप फेक के खतरे से बचने के टिप्स। कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैकिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, राज्यपाल के आदेश पर एसडीएम ब्रह्म प्रकाश निलंबित। कैथल में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जारी किया सर्टिफिकेट में भद्दी टिप्पणी की गई, भद्दी गालियां, वेबसाइट हैकिंग मामले में जांच में जुटी पुलिस। आगरा में आचार संहिता उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस प्रत्याशी समेत 70 लोगों पर केस दर्ज। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के कांग्रेसी उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार पर बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप, जेसीबी और बुलडोजर पर चढ़कर बरसाए गए थे फूल। चेन्नई के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ रुपए कैश बरामद, हिरासत में बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 लोग। दरभंगा लोकसभा से आरजेडी के उम्मीदवार ललित यादव ने सम्राट चौधरी को नसीहत दी, कहा लालू परिवार पर बोलने से पहले याद कर लें अपने पुराने दिन। श्योपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी तय होने के बाद कांग्रेस में फूटे विरोध के सुर, कांग्रेस विधायक ने प्रत्याशी को लेकर नाराजगी जताई। रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस समय से न्याय करती तो आज ये हाल नहीं होता। मुख्तार के परिजनों से अखिलेश यादव की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, कहा चुनाव नहीं होता तो अखिलेश वहां झांकने नहीं जाते। वो चुनाव के एंगल से देखती है, शायद मुझे लग रहा है चुनाव नहीं होता तो अखिलेश वहां झांकने नहीं जाते।